दोस्तों फुल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक बंद कर रखा है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर ही होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग वीडियो लेकर। तो जिस वीडियो को आपने अभी अभी देखा, ये वीडियो टिकटॉक पर काफी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट बनाते हो तो आपकी वीडियो वायरल होने के बहुत ही ज्यादा चांस हैं। तो आज का ये वीडियो इसी ट्यूटोरियल के ऊपर होने वाला है। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको और हमारे यूट्यूब चैनल ESR की टैग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोअर बढ़ा सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसके लिए जो आपको बिहाइंड द सीन वीडियो शूट करनी है, वो 3 पार्टों में वीडियो को शूट कर लेना है। और आपको वीडियो जरा भी स्किप नहीं करनी है। कुछ लोग वीडियो स्किप करते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई हमसे ये वीडियो बन नहीं रही है। तो बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करो, फिर आपसे वीडियो नहीं बन पाएगी। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहीं पर चलकर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको एस्पेक्ट रेशियो लेना है वो लेना 9:16 का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको एक कलर बोर्ड ले लेना है और इस कलर बोर्ड का साइज़ आपको 14 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी गैलरी में से उन तीनों वीडियो को लेना जो आपने बिहाइंड द सीन शूट की थी। इस वीडियो लेयर पे टैप करना, इसे सेकंड तरफ कर देना और इस वीडियो लेयर को आपको ऊपर वाली लेयर में मिला देना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है और इस वीडियो लेयर पे टैप करके इसे स्क्रीन के साइज़ में कर लेना है। फिर आपको इस वीडियो लेयर पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है और इस वीडियो लेयर पे टैप करके इसे स्क्रीन के साइज़ में कर लेना है। फिर आपको इस वाली वीडियो लेयर पर टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है और इस वीडियो लेयर पर टैप करके इसे स्क्रीन के साइज़ में कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर एक कट लगाना है इस वीडियो लेयर में और इस पार्ट को डिलीट कर देना है और इस लेयर को आपको फर्स्ट तरफ लेकर आना है। इसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है और इस वीडियो लेयर पे टैप करके इसे स्क्रीन की साइज़ में कर लेना है। फिर आपको इस वीडियो में ग्रीन वाली जगह को सर्च करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, क्रोमा की पर क्लिक करना है और जो की कलर है वो ग्रीन सेलेक्ट करके आपको जगह पर रखकर दबा देना है। यहाँ से कलर एडजस्ट करना, फिर आपको वीडियो प्ले करनी है। हमारी लेयर गलत हो गई, आपको ये वाली लेयर इस तरफ लेकर आनी है और ये वाली लेयर इस तरफ, फिर वीडियो प्ले करनी है। तो आप देखो हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। फिर आपको एयर वाले निशान पर टैप करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना है, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक जरूर करो, साथ वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोअर बढ़ा सकें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।